हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आज आपके लिए मैं सैंडविच लाई हूँ जिसका नाम है वेज सैंडविच। और पहले हम क्या करते थे कि इसे टोस्टर में बनाते थे बहुत पुराने ज़माने में, तो आज मैं उसी में आपको बताऊंगी कि आप गैस पर कैसे सैंडविच बना सकते हैं। और उसका टेस्ट होता है बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है जो हम इलेक्ट्रिक के टोस्टर में बनाते हैं और गैस वाले में बनाते हैं। तो गैस वाला बहुत ही यम होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम बनाते हैं वेज सैंडविच। तो वेज सैंडविच स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं और उसके अंदर हम 1 स्पून के करीब तेल डाल देते हैं। आप घी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर जीरा डाल देते हैं। जीरा के जैसे ही चटकने की आवाज़ आने लगेगी तो आप यहाँ पर वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स में मैं सबसे पहले मटर डाल रही हूँ। सैंडविच को और हेल्दी बनाने के लिए हमने यहाँ पर चुकंदर लिया है, बीटरूट जिसे कहते हैं उसे मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। और इसी स्टेप पर हम नमक डाल देते हैं जिससे ये अच्छी तरह से सीज जाएगा, पक जाएगा जो कहते हैं। हल्का सा इसके अंदर बहुत पिंच हमने हल्दी डाली है, लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल दें और थोड़ा सा हाफ स्पून के करीब हमने बहुत ही पिंच ही धनिया पाउडर डाला है और इसे मिक्स कर लेते हैं। वेज सैंडविच बनाते समय आप ये ऑप्शनल है, अगर आप ये डालना चाहें तो डालें, मगर हेल्दी बनाने के लिए आप इसे डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसे अब इसे खोलकर देख लेते हैं। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से मटर पक गया है। और इसी स्टेज पर हमने यहाँ पर 3 बॉयल्ड आलू लिए हैं, इसे भी मैश कर लिया है और इसे इसके तरह मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा खट्टापन डालने के लिए यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है, 2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देते हैं। पत्ती डाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। कढ़ाई से हमने प्लेट में निकाल लिया है इस स्टफिंग को और सैंडविच की स्टफिंग को और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। बिल्कुल हमने ये देखिए टोस्टर लिया है, ये बहुत पुराने ज़माने का टोस्टर होता है और आजकल तो ग्रिल वाले भी मिलते हैं, मगर क्या होता है इस टोस्टर और ग्रिल वाले टोस्टर में बहुत ही डिफरेंस रहता है। अगर आपने टेस्ट किया होगा तो इस टोस्टर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले इस टोस्टर में और हम घी लिए हैं, यहाँ पर आप बटर भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर घी यूज़ किया है और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं। और साथ में ये जो हमने बनाया था सैंडविच इसको रख देते हैं और इसके ऊपर भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर देते हैं। आप बटर भी यूज़ करें, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है, बट ऑयल मत यूज़ करें। और इस तरह करने के बाद आप इसे बंद कर दें और ये लॉक, इसको लॉक लगा देते हैं। और सैंडविच को करीब 3 मिनट हो गए हैं और इसी तरह हमने पलट पलट कर इसे 3 मिनट तक रोस्ट किया है इस पर। और आपको मैं खोल कर देखते हैं कि ये कैसा है। अब आप देखेंगे कि ये कितना अच्छा कलर आ गया है। उसी तरह दूसरी साइड में भी टर्न करके देख लें, अब आप देखें इसका कलर बहुत अच्छा आ गया। तो हम इसे बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। इसे ठंडा होने के लिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। सैंडविच आप देखेंगे बिल्कुल बनकर तैयार है और बिल्कुल ये बहुत ही क्रिस्पी है। आपको मैं साउंड भी सुनाती हूँ, आप देखेंगे। और इसे पीस से कट कर लेते हैं
इसका टेस्ट इस सैंडविच में बनाया हुआ बहुत ही टेस्टी होता है। और आप देखेंगे इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, क्योंकि हमने चुकंदर डाला था। और साथ में यहाँ पर हम सॉस डाल देते हैं, आप कोई भी सॉस यूज़ कर ले आपके अकॉर्डिंग टेस्ट के, और फिर आप ब्रेकफास्ट को इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सैंडविच बहुत ही इजी वे में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।